हे गाइस, वेलकम बैक टू टीयूसी। माय नेम इज आशीष शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिमर्स यूजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्डोसिस, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा अ ट्रिक टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्डोहेक्सोसिस, और उससे आप कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन एक दूसरे के एपिमर्स हैं। यू गाइस रेडी? शुरू करें। आइए, यहां पर मैंने लिखा है एपिमर्स, लेकिन पहले यहां पर आइए, आइसोमर्स। आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट? तो क्या होगा, मास और कंटेंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे ही कुछ आइसोमर्स के टाइप से हम आज डील करेंगे, उसमें से एक है एपिमर्स। एपी का मीनिंग क्या होता है? ये ग्रीक प्रेफिक्स है जिसका मीनिंग होता है एट, अराउंड, बिफोर, आफ्टर। मर्स का मीनिंग है यूनिट्स। अब एपिमर्स आता है हमारे केमिस्ट्री के सेपरेट ब्रांच में, उसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें स्टीरियो का मीनिंग होता है कंपाउंड्स विच हैव स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो जिन कंपाउंड्स का स्टडी हम करेंगे उसमें अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? बहुत सिंपल है, एक ऐसा पॉइंट जिसके आजू बाजू, ऊपर, नीचे, ठीक है, अलग अलग एटम्स या अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास काइरल कार्बन। काइरल कार्बन का डेफिनेशन क्या है? ए कार्बन सराउंडेड बाय फोर डिफरेंट एटम्स और फोर डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज व्हाट? अ काइरल कार्बन। सो कैन आई से दैट कार्बन इज अवर स्टीरियोजेनिक सेंटर, राइट? करेक्ट। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर हमारा वो कार्बन, हमने एक एग्जांपल ले लिया जो कि क्या है, काइरल। अब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये काइरल कार्बन यानी कि स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। वन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल है हमारे पास यहां पर एपिमर्स। इट्स अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ऑलराइट? सिंपल हो गया ना। अगर काइरल कार्बन है तो कंपाउंड में एक एक्टिविटी हो सकती है, कौन सी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिविटी देने वाले कंपाउंड्स कौन है? ये भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स, रोज खाते हैं, सुबह उठ के ही खाते हैं, रात को सोने से पहले भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। ये डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ा था आपने जब कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था ना। दोस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अल्डोसिस एंड दोस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज कीटोसिस। सिंपल। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस पे? अल्डोसिस पे। लेकिन सर टॉपिक तो आपका एपिमर्स है, तो आप अल्डोसिस क्यों पढ़ा रहे हो? अगर आप अल्डोसिस पढ़ोगे तो ही आपको क्या समझ में आएगा? एपिमर्स। सो टुडे माय मेन मोटो इज टू टीच एपिमर्स यूजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्डोसिस, ठीक है? क्लियर है इतना तक? आप चाहिए तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, as such is not of so much of importance, it's just an introduction I'm giving, ठीक है। अब बात करेंगे हम अल्डोसिस की, तो चलो शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैंने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, ये सारे स्ट्रक्चर्स अल्डोसिस के हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है हर एक के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, करेक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर्स इनकम्प्लीट है थोड़े। कॉमन चीज ये नजर आ रही है कि हर एक काइरल कार्बन को रेड से मार्क किया गया है,
और एक कॉमन चीज आप नोटिस कर सकते हो जो कि ब्लूम है, हर एक कायरल कार्बन के पास OH है, लेकिन वो कायरल कार्बन कौन सा है? हर एक स्ट्रक्चर का लास्ट वाला, देख सकते हैं लास्ट वाले कायरल कार्बन के पास क्या है? OH, जो कि किधर है? ऑन द राइट साइड, करेक्ट। तो ये एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि हर एक कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं, उनके लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है हमेशा राइट में ही पाया जाता है, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स को, इन शुगर्स को हम डी शुगर्स बोलते हैं। कौन सी शुगर्स बोलते हैं? डी शुगर्स। डी का मीनिंग है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन्स ऑन द राइट। व्हाट ऑन राइट? OH ऑन राइट, कहां पर? लास्ट काइरल कार्बन पे। ऑलराइट, सो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डी अल्डोसेस। कौन सा? डी अल्डोसेस। अब नाम हम बाद में जानेंगे, इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है। सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला डी अल्डोज शुगर जो है आपके पास यहां पर है, 1, 2, 3 प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड। अब क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट सुना या आपने सुना और मैंने बोला कि हर एक कार्बोहाइड्रेट के लास्ट कायरल कार्बन का OH कहां होता है? राइट में होता है, राइट। अब इसके पास लास्ट कायरल कार्बन नहीं बोल सकते, या बोल भी सकते हो, बिकॉज इट्स हैज ओनली वन एंड ओनली वन कायरल कार्बन। सो कैन आई से इट इज फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट कायरल कार्बन? यस, वी कैन से इट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, करेक्ट। अब तीन स्ट्रक्चर्स, तीन कार्बन के स्ट्रक्चर के बाद आता है चार कार्बन का स्ट्रक्चर। लेफ्ट में देखिए एरो बनाया हुआ, राइट। यहां पर 1, 2, 3, 4 जो नया कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ है वो ऊपर से इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। जस्ट आफ्टर व्हाट? एल्डिहाइड। देखो जस्ट आफ्टर एल्डिहाइड। अब यहां पर चार कार्बन का स्ट्रक्चर है, यहां पर भी चार कार्बन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है थोड़ा। क्या कंफ्यूजन होता है? कि OH जो हमें लगाना है, OH जो हमें लगाना है वो या तो राइट में भी आ सकता है या फिर लेफ्ट में भी आ सकता है, जिसके वजह से दो स्ट्रक्चर मिल गए हमको, किसका? फोर कार्बन शुगर का, ठीक है। अब फिफ्थ में आते हैं, तो जब अब फिफ्थ में आओगे तो और एक कार्बन इंट्रोड्यूस होगा। कहां पर इंट्रोड्यूस होगा? जस्ट आफ्टर एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये मैंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो ये मैंने क्या कर दिया? नया इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी का स्ट्रक्चर तो एग्जैक्ट सेम रहेगा, राइट। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं, तो क्या था? OH, H यहां पर तो एज इट इज ही है, ये OH और H ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, यहां पर भी सेम होगा। अब जो नया कार्बन है उस पे भी दो पॉसिबिलिटी हो गई, क्या? या तो उसका OH राइट में होगा या फिर कहां पे होगा? लेफ्ट में होगा, सिंपल है। सिमिलर केस यहां पर भी होगा, फोर के बाद दो फाइव मिले। अब दो फाइव मिले तो मैं ये तो सेम लिखूंगा, राइट, एच ओ एच, बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस एज अ न्यू कार्बन, दिस एज अ न्यू कार्बन, सो रेस्ट विल बी फ्रॉम द जस्ट अबव यहां से, राइट। अब जब नया कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ फिर से दो पॉसिबिलिटी मिली, तो मैं क्या करूंगा? एक OH राइट में लिख दूंगा और एक OH लेफ्ट में लिख दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब फाइव कार्बन के हमारे पास कितने हो गए? चार हो गए, चार से दो मिले तो पांच से भी तो दो मिलेंगे ना। अब इसके बाद छह कार्बन के शुगर आ गए, अब यहां पर भी मैंने दो बनाया होगा, राइट। अब जब दो बनाया है तो नया कार्बन तो यही है, राइट, हमेशा आफ्टर द एल्डिहाइड, चेंज यहां पर ही होगा हमेशा। और बाकी का स्ट्रक्चर कहां से मिलेगा? उसके ऊपर वाले से। तो उसके ऊपर वाले का
स्ट्रक्चर एज इट इज यहां पर हम बना देंगे, जिसका OH सारा क्या है राइट में। सिमिलरली यहां पर भी बनाऊंगा OH, H, OH एंड H। नाउ द न्यू कार्बन इज इंट्रोड्यूस्ड, उसमें भी दो पॉसिबिलिटी आ गई, तो बहुत सिंपल है, फिर से हम वही करेंगे, एक को राइट में फेंका और एक को लेफ्ट में फेंक दिया, मतलब रख दिया यहां पर। यहां पर भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, यहां तक नया कार्बन पे हम थोड़ा चेंज कर देंगे, एक को राइट में और एक को लेफ्ट में। यहां पे क्या OH H, तो यही लिखूंगा OH H, तो यहां पर आ गया H OH, यहां पर भी सेम होगा OH H OH H। अब क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर का OH राइट में कर दिया और दूसरे का स्ट्रक्चर का OH लेफ्ट में कर दिया। सिमिलर विल बी द केस हियर, नया कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर से बाकी का स्ट्रक्चर सेम बनाएंगे, तो एच ओ एच एच ओ एच, यहां पर भी एच ओ एच, यहां पर एच है तो यहां पर ओ एच आ गया, यहां पर ओ एच है तो यहां पर एच आ गया, एच ओ एच, बहुत सारा एच एच ओ एच 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 ओ एच, राइट, कोई बात नहीं। फिर से क्या होगा, ओ एच राइट में आ गया और लेफ्ट में, और लेफ्ट में ओ एच एच। सिमिलरली केस यहां पर भी होगा, एच 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 एच, यहां पर ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, नया कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ। फिर से क्या करूंगा, एक को राइट में फेंका, दूसरे को लेफ्ट में फेंका, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर्स हमारे सारे क्या हो गए, पूरे हो गए। हमने जान लिया कि तीन कार्बन के शुगर से हम छह कार्बन का शुगर कैसे बना सकते हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं एपिमर्स की, ये तो हमारा मेन टॉपिक है आज का, करेक्ट, और उसको पढ़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसको, अल्डोजस को, किसको, अल्डोजस को। ये तो बेचारा एक ही स्ट्रक्चर है, आइसोमर्स में तो हमें दो स्ट्रक्चर चाहिए ना, कितने स्ट्रक्चर चाहिए, दो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड कर देता हूं फिलहाल के लिए, नाम मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दो भाई साहब है, दोनों ट्विंस, क्या है ट्विंस, नाम तो सेम नहीं हो सकता ना, कुछ तो फर्क होगा जिसके वजह से हम उनका नाम अलग देंगे, क्या फर्क है वो हमें देखना है। अब देखिए यहां पर फर्क जानना है हमें, CHO CHO सेम है, कैंसिल कर दिया, CHOH ब्लू कलर, यहां पर भी ब्लू कलर, कैंसिल कर दिया, CH2OH CH2OH ये भी कैंसिल कर दिया। फर्क यहां पर आ रहा है, कहां पर, HCOH, इस कार्बन का OH राइट में है और इस कार्बन का OH किधर है, लेफ्ट में। बेसिकली कैसे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं बताता हूं, यहां पर एक C है, इमेजिन करो, दिखाई नहीं दे रहा, नो प्रॉब्लम, यहां पर एक C है, ठीक है। अब इसका जो OH जो राइट में है वो किधर आ गया, आपकी तरफ आ गया, आपको पहले क्या नजर आ रहा है, OH नजर आ रहा है, ठीक है, और जो लेफ्ट में जो इसका H था वो किधर आ गया, मेरी तरफ आ गया। तो आपके और मेरे बीच में यहां पर क्या है, कार्बन, क्यों, आपके पास, आपको मैंने क्या दिया, OH दिया, मैंने क्या लिया, H लिया, C बीच में आ गया, करेक्ट, तो OH आपकी तरफ, H मेरी तरफ। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसे होगा, H आपकी तरफ, OH मेरी तरफ, सिंपल, समझ में आ रहा है आपको, कुछ इसी तरह होता है इन कार्बन में लफड़ा, ठीक है। अब ये तो मान लिया कि यहां पर और यहां पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, इससे पांच कार्बन का शुगर मिला, इससे भी पांच कार्बन शुगर का शुगर मिला, जो जो सिमिलर है वो हम कैंसिल कर देते हैं, सी एच ओ
CHO, CH2OH, CH2OH, sorry my bad, CH2OH, CHOH, CHOH. अब क्या OHH, OHH, ये भी सिमिलर है, इसको भी कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारे पास, जो नया कार्बन जो इंट्रोड्यूस किया था वो बचा है, राइट, उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। इसमें भी सेम केस मिला, कैसा, एक का OH राइट में है, दूसरे का OH किधर है, लेफ्ट में है। सिमिलर केस यहां पर भी होगा, उसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं। सिमिलर केस इससे जो दो नए मिल रहे हैं उसमें होगा, इसका OH राइट में, इसका OH लेफ्ट में, बाकी सब कुछ सेम। सिमिलर केस यहां पर भी होगा, OH राइट में, इसका OH लेफ्ट में। सिमिलर केस यहां पर भी होगा, सेम केस यहां पर भी होगा, सेम केस यहां पर भी होगा, सबका केस सेम ही है, सबका लफड़ा एक ही है। क्या लफड़ा है सबका, कि हर एक का सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अनादर सेम स्ट्रक्चर और अनादर सेम शुगर। मतलब क्या है, पांच कार्बन का शुगर, अगर मेरे पास दो पांच कार्बन का शुगर है तो उसमें सिर्फ एक ही पोजीशन पे चेंज आ रहा है। ऐसे सेंटर को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। कौन सा सेंटर कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये बॉक्स वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, दिस कार्बन इटसेल्फ इज अवर व्हाट, स्टीरियोजेनिक सेंटर, दिस कार्बन इटसेल्फ इज व्हाट, अवर स्टीरियोजेनिक सेंटर। जो जो बॉक्स में डाला है उसके पास जो कार्बन है वो हमारा है स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्यों स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटर जिसके आजू और बाजू हम एटम्स या ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, OH आपके पास है एक एक मर्तबा, H मेरे पास है, दूसरी बार क्या हो गया, H आपके पास चला गया, OH मेरे पास आ गया। C का पोजीशन उधर ही है, C आराम कर रहा है, कौन चेंज कर रहा है, OH, H। स्पेशियल अरेंजमेंट, ऐसे स्पेशियल अरेंजमेंट जब होते हैं अराउंड ए पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। इस केस में हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है कार्बन, ठीक है। अब वापस से आते हैं चार कार्बन के शुगर में। चार कार्बन का शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव अ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एट ओनली वन कायरल कार्बन। एक ही कायरल कार्बन पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर सिर्फ एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस आता है हम उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। कौन सा, एपीमर्स, कौन सा कहते हैं, एपीमर्स। अब कौन से एपीमर्स कहेंगे, बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट कार्बन था और ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन था और ये सेकंड कार्बन, दे हैव अ डिफरेंस एट सेकंड कार्बन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, सी टू एपीमर्स ऑफ ईच अदर। कौन सा एपीमर्स, सी टू एपीमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसी तरह से ये पांच कार्बन का शुगर और ये पांच कार्बन का शुगर भी क्या हुआ, एक दूसरे का सी टू एपीमर्स। सिमिलरली ये भी हुआ सी टू एपीमर्स, 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 ठीक है। चलो अब इनके नाम पढ़ते हैं। तो नाम है सबसे पहले वाले का ग्लिसराल्डिहाइड, क्या है, ग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है। अब ग्लिसराल्डिहाइड से मिलता है एरिथ्रोस, क्या मिलता है, एरिथ्रोस, और राइट में मिलता है त्रियोस, क्या मिलता है,
त्रियोस। एरिथ्रोस से दो मिलते हैं, राइट। एक का नाम होता है राइबोस, दूसरे का नाम होता है अराबिनोस। अब त्रियोस से दो मिलते हैं आपको, एक का नाम होता है जाइलोस, दूसरे का नाम होता है लाइक्सोस, ठीक है। राइबोस से दो मिलते हैं आपको, एक होता है अल्ट्रोस, दूसरा होता है एलोस। अराबिनोस से दो मिलते हैं आपको, एक का नाम होता है ग्लूकोस, दूसरे का नाम होता है मैनोस। ज़ाइलोस से आपको दो मिलते हैं, एक का नाम है ग्यूलोस, दूसरे का नाम है आइडोस। लाइक्सोस से आपको दो मिलते हैं, पहले वाले का नाम है गैलेक्टोस और दूसरे का नाम है टैलोस, ठीक है। तो अब हम नाम से जानेंगे कि कौन कौन इसके आइसोमर्स हैं। अब आ गए हैं हमारे टॉपिक के अंतिम चरण पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे ट्रिक, आठ के आठ स्ट्रक्चर बिना बाय हार्ट किए आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ऊपर वाला पार्ट डील करता है कौन कौन से पेयर C2 एपिमर्स है, कौन कौन से C3 एपिमर्स है, कौन कौन से C4 एपिमर्स है, ठीक है। अब अगर ये सब याद, चलो ये तो याद कर लिया, आलू अल्टर्ड C2, ग्लूकोज इन मैन C2, गुल्स आईडी C2, गाला विद ताला C2। डिफिकल्ट पार्ट C3 और C4 को याद करने में, बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाओगे, मैंने याद नहीं किया है। क्यों याद नहीं किया है, उसका ट्रिक क्या है, यहां पर देखिए, आलू अल्टर्ड ग्लूकोज इन मैन, गुल्स आईडी हैड ताला विथ गाला विथ ताला, ठीक है। अब कितने काइरल कार्बन होते हैं 6 कार्बन के शुगर में, सिर्फ 4। उन 4 में से लास्ट वाला काइरल कार्बन जो होता है फोर्थ काइरल कार्बन, जो कि बेसिकली फिफ्थ कार्बन इन द चेन है, राइट, सभी के पास सेम होता है। बाकी कौन से बच गए, C2, C3 और C4। तो बेसिकली कौन से बच गए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, वही तो एपिमर्स है हमारे पास, C3, C4, करेक्ट। अब सबसे लेफ्ट वाला जो शुगर होता था एलोस, उसका सभी का आर 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 होता था। ये आर आर क्या है, फिर से बताता हूं, आर इज OH ऑन राइट साइड, तो OH ऑन राइट साइड लिखा तो आर 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 लिखा, ठीक है। दूसरा चीज, अब मैं इनको नंबरिंग भी दे देता हूं, इन सभी को 1, 2, 3, 4। अब यहां पे 5, 6, 7, 8 नहीं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखो, यहां पे 1 है ना, इसको लिखूंगा 1-, सेम बट ऑपोजिट, इसको लिखूंगा 2-, सेम बट ऑपोजिट, इसको लिखूंगा 3-, सेम बट ऑपोजिट, इसको लिखूंगा 4-, सेम बट ऑपोजिट, ठीक है। अब पहला वाला मालूम पड़ गया आर आर आर, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, आर का ऑपोजिट एल, आर का ऑपोजिट एल, आर का ऑपोजिट एल, ठीक है। अब मुझे पता है फर्स्ट दोनों पैर हमेशा क्या होते हैं, C2 एपिमर्स होते हैं, C2 के लिए क्या करना है, ये सेकेंड कार्बन है राइट, तो आर को क्या कर देना है, एल कर देना है, बाकी सबको ऐसे ही लिखूंगा। सेकेंड का ऑपोजिट सेकेंड डैश, मतलब जो एल है वो आर बनेगा और जो आर है वो एल बनेगा, तो आर एल एल, ठीक है। बच गए हमारे पास दो ही पैर अभी,
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हजार बार बनाया होगा, राइट? आर आर एल आर, तो बेसिकली क्या है, आर एल आर, ठीक है, ये मालूम पड़ गया। इस ये दोनों के बीच में कौन सा है, एपिमर्स क्रिएट होते हैं, सी टू एपिमर्स, क्योंकि दोनों बाजू बाजू के, राइट? सो एडजेसेंट वाले हमेशा क्या बना रहे, सी टू। तो सी टू बनाने के लिए सिर्फ कौन सा चेंज करना है, आर, ये वाला चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहां पे देखो नंबर लिखा है सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहां पे सेकेंड चेंज करना है, सेकेंड का ऑपोजिट क्या हो गया, एल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि एक ही जगह पे चेंज करेंगे तो एपिमर मिलेगा, तो एल आर, ठीक है। थ्री का एग्जैक्ट ऑपोजिट आर एल, एल आर, आर एल, ठीक है। फोर का एग्जैक्ट ऑपोजिट यहां पे आर आर एल, क्लियर है सबको, वापस से रिपीट करता हूं वन मोर टाइम। फर्स्ट स्ट्रक्चर टू थ्री फोर, सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन, सभी का OH राइट में है, तो R R R लिख दिया, सभी का नाम लिख दिया, आलू अल्टर्ड ग्लूकोज इन मैन गुल्स आईडी हैड तगाला विद ताला, ठीक है, नंबरिंग दे दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नहीं लिखेंगे, उधर से स्टार्ट करना है लास्ट से, वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश, क्यों लिखा है ऐसा, वन का एग्जैक्ट ऑपोजिट वन डैश होगा, टू का एग्जैक्ट ऑपोजिट टू डैश, थ्री का एग्जैक्ट ऑपोजिट थ्री डैश, फोर का एग्जैक्ट ऑपोजिट फोर डैश। ना यहां पे आर 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 है, तो एकदम लास्ट में क्या होगा, एल एल एल, ठीक है। मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड हमेशा कौन से एपिमर्स होते हैं, सेकंड सी टू एपिमर्स होते हैं, तो मैं सिर्फ सेकंड कार्बन चेंज करूंगा, आर बन जाएगा एल, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ये दोनों भी सी टू एपिमर्स है, तो एल C2 will be changed with R, तो R L L, बाकी सब कुछ सेम। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मेरे को पता है R L R होता है, तो क्या हो जाएगा, मैनोज क्या हो जाएगा, मैनोज एंड ग्लूकोज आर C2 epimers, तो R will become L L R, exact same। थ्री मिल गया तो थ्री डैश मिल जाएगा, R की जगह पे L, L की जगह पे R, R की जगह पे L, ठीक है। ये मिल गया तो फोर डैश मिल जाएगा, L की जगह पे R, L की जगह पे R, R की जगह पे L। अब इसमें से इधर देखेंगे अभी कैसे देखते हैं, क्या बोल रहा है, एलोज एंड ग्लूकोज आर व्हाट, C3 एपिमर्स ना, तो कौन से C3 एपिमर्स से याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा और अगर आपको नहीं समझ रहा है देन यू मेक दिस चार्ट एंड इट्स सो इजी टू मेक इट, राइट? सो एलोज एंड ग्लूकोज, चलो देखते हैं सी थ्री एपिमर्स है या नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो मुझे चेंज यहां पर चाहिए, क्या यहां पर चेंज है, यस है, बाकी सब कुछ सेम है, यस आर 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 आर, यस दे आर सी थ्री एपिमर्स। चलो और एक बार चेक करते हैं, सी फोर चेक कर लेते हैं, अल्ट्रोज एंड आयोडोस, आयोडोस अल्ट्रोज किधर है आपका, अल्टर्ड अल्ट्रोज, आयोडोस किधर है आपका, आयोडोस यहां पे है, ठीक है, दोनों कौन सा एपिमर बोल रहा है वो, सी फोर, चलो चेक करते हैं सी फोर है या नहीं, एल एल सेम हो गया, एक सेम हो गया, आर आर दूसरा सेम हो गया, तीसरा सेम नहीं होना चाहिए, आर एल जो कि कौन से कार्बन है, फोर्थ कार्बन, आर और एल, यस दे आर सी फोर एपिमर्स, ठीक है। अब इसको देख के स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, राइट? अल्ट्रोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अल्ट्रोज क्या है, अल्डो हेक्सोस, तो मुझे पता है छह कार्बन बनाने, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, फर्स्ट कार्बन इज ऑलवेज व्हाट, एल्डिहाइडिक, लास्ट कार्बन इज ऑलवेज व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल, बचे चार काइरल कार्बन, क्योंकि ये सारे डी शुगर्स हैं, तो उसके लास्ट काइरल कार्बन का OH किधर होगा, राइट में होगा, राइट? बचे तीन कार्बन, वो बचे तीन कार्बन कौन से हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ, मुझे पता है सेकेंड थर्ड फोर्थ, इधर देखा एल आर आर, तो एल आर आर, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रोज, नो नीड टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर्स, दिस इज द ट्रिक,
which is most important for you guys. ठीक है? So that's all from my side for Epimers. I hope you enjoyed this video. Because of the final trick that I gave you, the whole Epimers concept, it should be much clearer for all of you guys. So guys, if you don't know Epimers, now you know. Stay home, be safe. Until then, goodbye.